हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रियलमी फ़ोन के ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो गाइस, इसके लिए मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मोबाइल का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, और वॉल्यूम अप और डाउन बटन जिससे आवाज़ ज़्यादा और कम करते हैं। इन तीनों बटन को एक साथ दबा कर रखना है 10 से 15 सेकेंड के लिए, जिससे आपका फ़ोन अपने आप ही रीस्टार्ट मोड में जाकर खुल जाएगा, चालू हो जाएगा, जिससे आप अपने फ़ोन को फिर चला पाएंगे। अगर इस तरीके से सही नहीं होगा तो फिर मोबाइल का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, और वॉल्यूम अप बटन जिससे आवाज़ ज़्यादा करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ दबा कर रखना है 10 से 15 सेकेंड के लिए, जिससे आपका फ़ोन रीस्टार्ट मोड में जाकर अपने आप ही चालू हो जाएगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी, फिर अपने फ़ोन को आप चला पाएंगे। अगर इस तरीके से भी सही नहीं होगा तो मोबाइल का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, और वॉल्यूम डाउन बटन जिससे आवाज़ कम करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ दबा कर रखना है 10 से 15 सेकेंड के लिए, जिससे आपका फ़ोन रीस्टार्ट होकर अपने आप ही खुल जाएगा और फिर आप अपने फ़ोन को चला पाएंगे। गाइस, मैंने अलग अलग तरीका इसलिए बताया है क्योंकि फ़ोन के अलग अलग मॉडल होते हैं और अलग अलग सेटिंग होती हैं, इसीलिए। तो जैसे ही आपका फ़ोन खुल जाता है आप अपने फ़ोन को चलाना। क्या करना, आप टाइम टाइम पर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना। तो कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए, जो मोबाइल का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को 5 सेकेंड के लिए दबा कर रखना है, तो आपके स्क्रीन पर एक रीस्टार्ट नाम का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। इस तरीके से सही करके आप अपने फ़ोन को चला पाएंगे। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।